अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर है, पुराना बहुत पुराने समय से ईस्टर समय का मंदिर है, राजा नल दमयंती के समय का मंदिर है ये। यहाँ पे महाराजा विक्रमासिंह जी राव जो देवास स्टेट के महाराजा थे, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमारे पुत्र प्राप्ति होगी तो हम हर शिवरात्रि पर गाया करके यहाँ पे अभिषेक करेंगे। तो महाराजा विक्रमासिंह राव महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई तुकोजी राव महाराज के रूप में, और तभी से महाराज विक्रम सिंह राव महाराज साहब, तुकोजी राव महाराज साहब और आज हमारे वापस विक्रम सिंह राव महाराज साहब हैं, ये प्रति शिवरात्रि को यहाँ पे रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक संपन्न हुआ है और भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान पर पधारे हैं। तो ये परंपरा निभाई जा रही पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा निभाई जा रही है। देवास महाराज जो हमारे यहाँ अनादिकल्पेश्वर मंदिर में जो हर साल की परंपरा के हिसाब से हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं, और इनका परिवार
से और यहाँ के मंदिर से बहुत इनकी आस्था है और यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो हर साल ये शिवरात्रि पे अभिषेक करने आता है इनका परिवार? इनका पूरा परिवार शिवरात्रि पे दर्शन करने आते हैं और अभिषेक करवाते हैं। आपका क्या नाम है? भारत सिंह परियार। इस मंदिर के बारे में ये मंदिर है कनक अनादि कल्पेश्वर मंदिर धरोला देवास स्टेट देवास महाराज हर शिवरात्रि को यह पधारते हैं अभिषेक आरती पूरा करते हैं। इस बार कौन आए है? वहाँ से आए नहीं अपने विक्रम सिंह जी वहाँ। अच्छा, वो यहाँ का सब देख रेख वही करते हैं? नहीं, पहले थे स्टेट के जमाने में। तो अभी उस परंपरा को निभाया जा रहा है? निभाया जा रहा है क्या? उस परंपरा को अभी तक निभाया जा रहा है।